नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं तो हर दिन कुछ नए प्रकरण, कुछ नई चीजें सामने आती जा रही हैं। राजनीति में उथल पुथल सामने आ रही है। आज प्रचार जो है, चुनाव प्रचार बंद हो गया है। सभी स्टार प्रचारक जो है उन्होंने पूरी जद्दोजहद, पूरी कोशिश की कि अपनी अपनी पार्टी के हक में पूरी तरह से प्रचार करें। आज क्या है पोजीशन हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर, उस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार बलवंत तक्षक जी। आइए इनसे चर्चा करते हैं, जानते हैं कि आज हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या नई अपडेट्स हैं। बलवंत तक्षक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया राजेंद्र जी, शुक्रिया। बलवंत जी, आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया है जी, क्या लगता है कि किस तरह की पोजीशन बन रही है आज हरियाणा में, लोगों का क्या झुकाव नजर आ रहा है आज? देखिए, आज राहुल गांधी दक्षिण हरियाणा में थे और मेवात क्षेत्र में थे जी। मेवात में उनकी नूह में रैली थी, बड़ी कामयाब रैली थी भीड़ की दृष्टि से। और इसी तरह महेंद्रगढ़ में, जहां से रावदान सिंह चुनाव लड़ रहे हैं जी, और सिटिंग एमएलए भी थे उनके, और आसपास के जो और चुनाव क्षेत्र हैं दक्षिण हरियाणा के, वहां के उम्मीदवारों के पक्ष में राहुल गांधी ने एक रैली की और रैली जो है वो कामयाब थी। और उन्होंने बताया कि अग्निवीर योजना क्या है और कैसे दक्षिण हरियाणा के युवाओं का उसमें नुकसान है और पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे जा रहा है, किसको जा रहा है, ये सब उन्होंने विस्तार से बताया और लोगों ने उनको ध्यान से सुना भी। तो दक्षिण हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से गढ़ रहा है, क्योंकि दोनों बार हरियाणा में 14 और 19 में सरकार बनाने में दक्षिण हरियाणा का बड़ा योगदान था। पिछले चुनाव की बात करें तो 11 सीटों में से जी 8 सीटें भाजपा ने जीती थी, 2 कांग्रेस ने जीती, 1 आजाद विधायक चुना गया था वहां से जी। तो कुल मिला के कहने का अर्थ यह है कि भाजपा के गढ़ में जाके आज राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार से पहले जो रैली की वो महेंद्रगढ़ में की जी। और लग रहा है कि उसे किस तरह का लोगों का रिस्पांस क्या लग रहा है आपको? लोगों का रिस्पांस अच्छा था। और देखिए, जब कोई पार्टी लगातार सत्ता में रहती है तो एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ पैदा हो जाती है। दक्षिण हरियाणा ने 2 बार भाजपा की सरकार बनाई, लेकिन दक्षिण हरियाणा के लोगों का ये मानना था, वो यादव बहुल इलाका है, उनका कहना था कि जिस तरह की जाट रेजिमेंट है, राजपूताना रेजिमेंट है, ऐसे ही अही रेजिमेंट का भी गठन किया जाना चाहिए जी। लंबे समय तक उन्होंने धरना दिया, लेकिन उस धरने का समर्थन किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब गए और दीपेंद्र हुड्डा वहां उनकी धरने स्थल पर जाके उन्होंने कहा कि हम आपकी इस रेजिमेंट का समर्थन करते हैं। और दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर कोई आश्वासन अहिरवाल क्षेत्र को नहीं दिया। दूसरा, आपको पता है कि रविंद्र सिंह 6ठी बार सांसद बने हैं जी, 3 बार से वो केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन तीनों ही बार उनको राज्य मंत्री का दर्जा है, उनको तरक्की नहीं मिली है। बिल्कुल। तीसरा, अग्निवीर योजना आई है, उससे दक्षिण हरियाणा के जो जवान थे फौज में जाते थे अपने फिजिकल फिटनेस की वजह से, उनमें भी थोड़ा निराशा का भाव था और राहुल गांधी की इस रैली ने उनके निराशा के भाव को पकड़ते हुए जो बातें कही हैं वो उनको कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश है। अब दक्षिण हरियाणा क्या नतीजे देगा ये तो आपको हमको 8 तारीख को पता लगेगा। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं आप, राहुल गांधी ने आरक्षण, संविधान और जातीय जनगणना की बात की और इन मुद्दों के थ्रू उन्होंने कहीं ना कहीं एससी वोट को या बात करें ओबीसी वोट को साधने की कोशिश की, क्या आपको लगता है कि वो इसमें कामयाब होते नजर आ रहे हैं? देखिए, दक्षिण हरियाणा तो ओबीसी वर्ग में आता है जी, यादव समुदाय ओबीसी वर्ग में 27%, मैं ओवरऑल हरियाणा की बात, 27% उनको आरक्षण है। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी नायब सिंह सैनी साहब को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपकर, उसके पीछे भी मकसद यही था कि ओबीसी जो वर्ग है, स्वर्ण वर्ग उनके साथ है, वो मानते हैं कि बढ़िया ब्राह्मण राजपूत हमारे साथ है, ऐसी सूरत में पिछड़े वर्ग के लोग भी अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो लगातार तीसरी बार भाजपा को सरकार बनाने में दिक्कत नहीं आएगी हरियाणा में। लेकिन खट्टर साहब को हटाना, नायब सिंह साहब को थोड़ा वक्त मिलना, ज्यादा वक्त नहीं मिल पाया, उन्होंने पिछली सरकार के फैसले बदलना, अपने फैसले करना, वो ठीक से लोगों तक ये बात नहीं पहुंचा पाए, प्रॉपर नहीं कन्वे कर पाए, और ऐसी सूरत में दक्षिण हरियाणा के लोगों में थोड़ी निराशा होना। मोदी साहब, अमित शाह साहब गए थे वहां नांगल चौधरी में एक रैली की थी, उन्होंने कहा हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, उन्होंने ये भी कहा अग्निवीर योजना एक मुद्दा है तो उस मुद्दे पर उस क्षेत्र के लोगों को राजी करने के लिए उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई भी युवा नहीं बचेगा जो अग्निवीर योजना से वापस आएगा 4 साल के बाद, उसको हम सबको नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी। तो ये मुद्दा जो था ये केंद्र सरकार के पास पहुंचा हुआ है कि इस इलाके के लोगों में या पिछड़े वर्ग के लोगों में या और दूसरा जो जाट समुदाय के लोग भी फौज में जाते हैं, सभी में निराशा का भाव है। तो भाजपा ने उस मुद्दे को भांपते हुए अमित शाह साहब ने अपनी रैली में कहा कि कोई बेरोजगार नहीं होगा और उन्होंने ये भी कहा हम
सत्ता में आए तो 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कोशिश भाजपा की है कि किसी भी तरीके से कोई वोट ना छिटके, लेकिन कांग्रेस ने उस वोट में सेंध लगाने की कोशिश की और दक्षिण हरियाणा में इस बार मुझे लगता है कि पिछली बार की तुलना में कांग्रेस को बेहतर परिणाम मिले। आज हरियाणा की राजनीति में कोई खास प्रकरण जो आपको लगता है कि हमारे दर्शक जो है उन तक पहुंचना चाहिए? देखिए, हरियाणा की राजनीति में आज सबसे बड़ी जो घटना हुई है वो मतदान से ठीक 2 दिन पहले जी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जी जी अशोक तंवर जी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। हरियाणा अहराम गहराम के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि टिकटों की घोषणा से लेकर और आज तक जी बिल्कुल कभी कोई कहीं किसी दल में जा रहा है, कभी कोई किसी दल में जा रहा है। और इस बार तो मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही रहा है। और मौसम को पहचानते हुए ज्यादातर लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनने की ज्यादा संभावना है। मैं आपको एक ये बताना चाहता हूं कि घटना कितनी रोचक है जी। मतलब कांग्रेस में शामिल होने से पहले अशोक तंवर साहब सफीदों में भाजपा के उम्मीदवार रामकुमार गौतम के पक्ष में एक रैली कर रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा आपने बटन ठीक जगह दबाना है, रामकुमार गौतम साहब को विधानसभा में भेजना है, गलती कोई नहीं करनी है आपको। और उसके बाद वो तुरंत महेंद्रगढ़ पहुंच गए जी, और 1 घंटे के बीच और उसमें कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया। राहुल गांधी जी ने भी उनका स्वागत किया, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मंच पर थे, उन्होंने भी स्वागत किया। और मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका, क्योंकि अशोक तंवर साहब लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले भाजपा में शामिल हुए। जो सरिता दुग्गल मैडम जो सिटिंग एमपी थी उनकी टिकट काटी गई और उनकी टिकट काटने के बाद अशोक तंवर साहब को टिकट दी गई, लेकिन वो कुमारी शैलजा के मुकाबले चुनाव हार गए। चुनाव हारने के कुछ समय बाद ही भाजपा छोड़ के और कांग्रेस में शामिल होना एक तरह से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर की जो कहते हैं जो पॉलिटिकल सोच है उसको उन्होंने एक तरह से डैमेज किया है। खट्टर साहब की इच्छा से वो भाजपा में आए थे। खट्टर साहब उन्होंने मेरा मामा हूं भाई, और भांजे ने मामा को जो झटका दिया है मुझे नहीं लगता वो भूल पाएंगे। इसके अलावा मैं एक और आपको राजेंद्र जी बात बताऊं कि ऐसे ही चौधरी रणजीत सिंह जो रानिया से इंडिपेंडेंट विधायक थे, भाजपा सरकार का समर्थन कर रहे थे, बिजली और जेल मंत्री थे जी, उन्होंने भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी ने उनको लोकसभा हिसार से टिकट दिया जी, चुनाव नहीं जीते। फिर उनको टिकट के लिए शायद भाजपा ने विधानसभा चुनाव में टिकट देना उचित नहीं समझा जी, वो तुरंत भाजपा छोड़ दी और इंडिपेंडेंट तौर पर फिर से रानिया से चुनाव लड़ रहे हैं जी। और रंजीत सिंह को और अशोक तंवर को भाजपा में लाने का फैसला खट्टर साहब का था और भाजपा आला कमान ने उस फैसले को स्वीकार किया, उनके को उनका मान रखा। लेकिन चुनाव के बाद ना तंवर साहब भाजपा में रहे ना रंजीत चौटाला साहब। अशोक तंवर की बात करें तो ये पूर्व प्रधान रहे हैं कांग्रेस के, बड़ा एक दिग्गज नेता रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं। उसके बाद ये आम आदमी पार्टी में जाते हैं, अपना भी एक मोर्चा इन्होंने बनाया। उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, उसके बाद फिर ये बिल्कुल विधानसभा चुनाव से 2 दिन पहले फिर से कांग्रेस में वापस आ जाते हैं। तो कांग्रेस की क्या मजबूरी है कि एक ऐसे नेता को अपने साथ मिला लेना, जोड़ लेना, और बिल्कुल ऐसे टाइम पे? देखो, मैं तो आपको कहूंगा अशोक तंवर साहब कांग्रेस का एक बड़ा चेहरे थे जी। वो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे कई साल तक जी, फिर सांसद रहे सिरसा से जी, और फिर इन्होंने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की बागडोर भी संभाली। यानी कि कांग्रेस में एक वो कद्दावर नेताओं में शामिल हो चुके थे। लेकिन किसी टिकट को लेके मन मुटाव हुआ, उनके समर्थक को टिकट नहीं मिली, उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। मुझे मैं यहां से टोकना चाहूंगा, मुझे आपकी एक बात याद आती है, महत्वाकांक्षा जी। कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा इनको इतना कुछ जो चक्कर लगाया उनको लगा होगा कि मैं कांग्रेस छोड़ूंगा तो कांग्रेस डैमेज होगी जी। और देखिए, किसी के भी छोड़ने से पार्टी को असर तो पड़ता है जी, लेकिन कोई भी पार्टी जल्दी ही उस स्थिति को संभाल लेती है जी। तो अशोक तंवर साहब ने क्या किया, कांग्रेस छोड़ी, अपना मंच बनाया, फिर विधानसभा चुनाव आए तो उन्होंने इनेलो के अभय सिंह चौटाला को समर्थन दिया जी। इसके बाद ये तृणमूल कांग्रेस के सर्वेसर्वा हो गए जी। तृणमूल कांग्रेस ने कोई जड़े नहीं जम पाई हरियाणा में, तो ये आम आदमी पार्टी में आ गए। आम आदमी पार्टी में जो आगे खड़े होते थे कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते, तो ये सबसे आगे खड़े होते थे। आम आदमी पार्टी में डॉक्टर सुशील गुप्ता जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनके पीछे खड़ा होना पड़ता था, और ये उस व्यक्ति के लिए ये स्थिति थोड़ी मुश्किल हो जाती है, कठिन होती है, बिल्कुल, जो हमेशा पार्टी के अगले फ्रंट में खड़ा रहा। बिल्कुल। दूसरी बात राजेंद्र जी,
अब ये आम आदमी पार्टी को जब उनको लगा कि सत्ता में आना शायद उसका मुश्किल है या आम आदमी पार्टी भी जड़े नहीं जमा पा रही तो वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। लोकसभा चुनाव हारे तो वो कांग्रेस में आ गए, यानी कि एक सारी पार्टियों की परिक्रमा पूरी करके वो 5 साल की अवधि में ही वापस अपने घर में लौट आए। अब आपने पूछा कि मजबूरी क्या है, मजबूरी देखिए टिकटों के बंटवारे में कुमारी शैलजा वो उतनी टिकटें नहीं मिली जितनी हुड्डा साहब के समर्थकों को मिली है जी। ऐसे में वो बीच में उन पर कोई जाति सूचक टिप्पणी हुई वो नाराज होगी, चुनाव मैदान उन्होंने 10-5 दिन के लिए छोड़ दिया जी जी। और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को लपक लिया कि दलितों का बड़ा अपमान होता है, अशोक तंवर को बर्दाश्त नहीं कर पाए जी जी जी। शैलजा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो एक इस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि दलित समुदाय किसी तरह से कांग्रेस के पक्ष से खिसक जाए। अब भारतीय जनता पार्टी को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत, इसको मास्टर स्ट्रोक कह लो, भाजपा को बड़ा झटका कह लो, उन्होंने अशोक तंवर को मंच पे लाके कांग्रेस में शामिल करके बता दिया है कि दलितों में कांग्रेस के प्रति जो भाजपा एक भाव पैदा करना चाहती थी ऐसा कुछ नहीं है। तंवर साहब लौट आए आप देख लो, और चुनाव से ठीक 2 दिन पहले इससे कांग्रेस को लाभ मिलेगा, निश्चित तौर कांग्रेस को लाभ मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से लाभ मिलेगा थोड़ा सा मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को डिटेल से बताएं कि अशोक तंवर के आने से कांग्रेस पार्टी को कैसे लाभ हो सकता है। देखिए अशोक तंवर के सिरसा के मकान पर जो भाजपा के झंडे लगे थे जी, उनके कांग्रेस में शामिल होते ही झंडे हट गए। उनके जो समर्थक थे वो हरियाणा लोकहित पार्टी के उम्मीदवार सिरसा से गोपाल कांडा उनका समर्थन कर रहे थे जी। और तंवर साहब ने कहा था कि लोकसभा चुनाव में गोपाल कांडा ने मेरा समर्थन किया है तो विधानसभा चुनाव में मैं उनको समर्थन दूंगा। बिल्कुल ठीक है। अब चुनाव से ठीक 2 दिन पहले 5 तारीख को मतदान होना है, अब उनके कार्यकर्ता गोपाल कांडा के साथ नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मैं सोचता हूं कि उनके जहां भी जितने भी समर्थक होंगे, यूथ कांग्रेस के नाते, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते, सांसद के नाते, वो सब उनके साथ कांग्रेस की मदद करेंगे। और चुनाव से ठीक 2 दिन पहले इस तरह का होना भाजपा के लिए नुकसानदायक और कांग्रेस के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ आज एक प्रकरण और होता है, प्रचार का आखिरी दिन था, कुमारी शैलजा आज प्रचार में नहीं दिखी और वो सोनिया गांधी के साथ उन्होंने मुलाकात की, इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए मेरा तो ये मानना है कि सोनिया गांधी जी ने उनको बुलाया था। अच्छा, दिल्ली में करीब आधे घंटे कुमारी शैलजा की उनसे मुलाकात हुई, तो जो अंदाज लगाए जा रहे हैं एक तो ये है कि उन्होंने फीडबैक लिया होगा कि हरियाणा में कांग्रेस की क्या स्थिति है, हम कहाँ खड़े हैं, कितनी सीटें आ जाएंगी। तो चूंकि वो अनुभवी नेता हैं और उनके पिताजी भी केंद्र में मंत्री रहे, सांसद रहे, कई बार पार्टी के अध्यक्ष रहे, तो इस नाते अनुसूचित जाति समाज से एक बड़ा चेहरा है, तो सोनिया गांधी ने उनसे फीडबैक लिया होगा निश्चित तौर पर। लेकिन मूल मकसद जो है वो मुझे ये नजर आता है कि अशोक तंवर सिरसा से अभी उनके मुकाबले ही चुनाव में उतरे थे और सिरसा जिले की राजनीति करते रहे कुमारी शैलजा भी, अशोक तंवर भी, ऐसी सूरत में उनसे एक तरह से सहमति ली होगी सोनिया जी ने कि अशोक तंवर पार्टी में आ रहे हैं, आपका क्या मानना है। तो जाहिर है कि सोनिया गांधी जी अगर कुछ पूछेंगे तो शैलजा मैडम इनकार तो नहीं करेंगी, हो सकता है अपनी कुछ ग्रीवेंसीज हों उन्होंने बताई हों, लेकिन अंततः फैसला यही हुआ कि हुड्डा साहब ने भी सहमति दी, उदय भान जी ने भी सहमति दी और कुमारी शैलजा की सहमति सोनिया गांधी जी के सामने हुई होगी, उसके बाद तंवर साहब की एंट्री हुई। कुमारी शैलजा दलित समाज से कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी नेता है, दूसरी तरफ अगर हम अशोक तंवर की बात करें वो भी दलित समाज से आते हैं, तो सिरसा से ही कुमारी शैलजा लड़ती हैं और सिरसा से ही उन्होंने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। आज कांग्रेस ने अशोक तंवर जो है कांग्रेस में शामिल हो गए, ये कुमारी शैलजा के साथ कहीं इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई कुमार शैलजा को? देखिए 2 सीटें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं कि ये उनके पांव का कांटा तो नहीं बन जाएंगे। नहीं, हरियाणा में 10 लोकसभा क्षेत्रों में से 2 अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व जी, यहाँ से वरुण चौधरी चुनाव जीत गए कांग्रेस के जी जी, अंबाला लोकसभा क्षेत्र से जी अंबाला, और उधर सिरसा से कुमार शैलजा जीत गए जी जी, तो अशोक तंवर साहब के लिए कहाँ जगह है? तो पार्टी अगर सत्ता में आती है और उनको लगता है कि अशोक तंवर साहब को एडजस्ट करना है तो बहुत सारे पद जो एडजस्ट हो सकते हैं, वो केंद्र की राजनीति में भी उनको कुछ, राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको कोई जिम्मेदारी दी सकते, वो तो आज तो आए हैं, तो ये नहीं है कि आते ही कांग्रेस किसी को बहुत जल्दी कोई जिम्मेदारी देगी। अब धीरे धीरे पार्टी में वापस उनकी पैठ बनेगी और मैं सोचता हूँ उनके कद के हिसाब से कांग्रेस उनको मान सम्मान देगी। एक आखिरी सवाल कि मोदी साहब ने रैलियां की
चार के करीब रैलियां उनकी हुई और छह रैलियां शायद अमित शाह की और छह योगी आदित्यनाथ की हुई और भी स्टार प्रचारक आए, हेमा मालिनी भी आई थी शायद। तो क्या प्रभाव रहा है उनकी रैलियों का, क्या वो लोगों पे अपना प्रभाव छोड़ पाए हैं या नहीं छोड़ पाया? देखिए मोदी साहब बड़े नेता हैं, हरियाणा में लोकसभा चुनाव में पिछली बार 10 की 10 सीटें मिली तो मोदी साहब के चेहरे पर मिली, मोदी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे इस नाते उनको 10 की 10 सीटें मिली और उससे पहले भी उनके नाम पर ही हरियाणा के वोट पड़े थे और तीसरी बार जब वो फिर लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में आए तो 10 में से 5 सीटें जीती भाजपा ने और वो 500 सीटों की जो जीत है वो नरेंद्र मोदी साहब की जीत है। हरियाणा का नेताओं भाजपा नेताओं को चेहरा देख के वोट नहीं दिया था किसी ने, तो अब भी वो चाहते हैं कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बने और कोई भी पार्टी अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जोर लगाती है। तो मोदी साहब ने भी लगाया, शाह साहब ने भी लगाया, नड्डा साहब ने भी लगाया, गडकरी साहब ने लगाया, योगी आदित्यनाथ ने भी लगाया, राजनाथ सिंह भी आए, स्मृति ईरानी भी आई, हेमा मालिनी जी भी आई और लगातार उनके दौरों का राजस्थान की जो मौजूदा उप मुख्यमंत्री है दीया कुमारी जी भी आई, मतलब मकसद ये था कि किसी भी तरीके से भाजपा को फिर से सत्ता में ले आए। लेकिन 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भाजपा ने पहले ही भांप लिया था, इसलिए खट्टर साहब को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, नायब सिंह सैनी साहब को लेके आए। अब नायब सिंह सैनी साहब को ये भी कहा है कि अगर भाजपा फिर सत्ता में आई तो वही मुख्यमंत्री होंगे। लोगों पर इसका कितना असर हुआ होगा या 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को भाजपा कैसे खत्म कर पाई कि नहीं कर पाई, ये हमको 8 तारीख को पता लगेगा। दूसरी तरफ मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात करूंगा, थोड़ा सा तफसील में बता दीजिए कि उनके जो रोड शोज हैं, उनकी रैलीज हैं, वो क्या असर छोड़ रहे हैं लोगों को? उनको अच्छा समर्थन मिला सड़क के दोनों तरफ, वो जन संकल्प यात्रा जो उन्होंने शुरू की थी, विजय संकल्प यात्रा, तो लोगों को उनको अच्छा समर्थन मिला और जो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है विनेश फोगाट, उनके समर्थन के लिए प्रियंका गांधी जुलाना में भी आई थी और आज आखिरी रैली जो दक्षिण हरियाणा में थी जो भाजपा समर्थक इलाका माना जाता है उसमें निश्चित तौर पर राहुल गांधी सेंध लगाने में कामयाब हुए। जीटी बेल्ट जो रही है यहाँ पे पिछली बार 10 के अगर मैं बात करूं सफीदो, करनाल और पानीपत की 10 के करीब विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जिनमें से मुझे लगता है 5 पर भारतीय जनता पार्टी थी और 4 पर कांग्रेस थी। तो क्या लगता है कि इस एरिया में भी उन्होंने रोड शोज किए हैं, कैसा यहाँ पे माहौल बन सकता है? आप इसको राजेंद्र जी एक लाइन में समझिए, हरियाणा के 22 जिले हैं जी, ऐसा कोई जिला नहीं है जिसमें कांग्रेस सीटें ना जीत रही हो और भारतीय जनता पार्टी के लिए कई जिलों में ऐसी भी स्थिति है कि खाता ना खुले, तो उससे आप अंदाज लगा लीजिए कि हरियाणा की हवा क्या है। मैं एक बात और कहूंगा कि मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था अभी पीछे राम रहीम साहब को जेल से पैरोल मिली है पैरोल, तो सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा था कि डूबते को तिनके का सहारा तो सुना है लेकिन हारते को बलात्कारी का सहारा वो पहली बार पढ़ रहे हैं हम तो आप ये लोगों की भावना है जो जिस तरह की बिल्कुल। और एक वीडियो और वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहा है कि हम भाजपा का बायकॉट करेंगे। हाँ शायद उनको मैंने भी देखी वीडियो, वो अभी शायद उनका कोई समर्थक है, अब एग्जैक्टली वो उनका समर्थक है या नहीं है लेकिन सोशल मीडिया पे जा रहा है कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, उन्होंने हमारे गुरु महाराज को अंदर किया था, जेल में किया था, इस तरह का कुछ वीडियो है। तो हम तो उनकी पुष्टि नहीं करते हैं कि वो सही है या गलत है। हाँ जी हाँ जी। सो दोस्तों हरियाणा में क्या होने वाला है, किसके सर सजने वाला है ताज, ये आने वाली 8 अक्टूबर को आप सब लोगों के सामने होगा। तब तक के लिए देखते रहे अर्थ प्रकाश टीवी। बलवंत जी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया राजेंद्र जी, शुक्रिया।